गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश की है, पर्टिकुलरली फॉर द डॉग लवर्स। जिन जिन डॉग्स को चेरी आई होता है, सो हाउ टू डील विद दैट। ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि बहुत अनयूजुअल, इट्स वेरी कॉमन। और इसका कोई पर्टिकुलर आंसर तो नहीं है कि क्यों चेरी आई होता है। तो इट कैन बी जेनेटिक, लाइक फॉर स्पार्की ये हेरिडिटी है, शायद उसके पेरेंट्स में से किसी का होगा जिसकी वजह से इट हैज़ ट्रांसफर टू हिम। सो नाउ द क्वेश्चन लाइज ओवर है, लाइक चेरी आई होता क्या है। सो कमिंग टू दैट पॉइंट, चेरी आई आपका एक थर्ड आई है, तीसरी आँख बोल सकते हो, एक्सटर्नल ग्लैंड होता है जो कि आपके आईज के कोने में से वो एक्स्ट्रा जो आपका एक स्किन होता है जो निकल के आता है वो पॉपअप होता है, और वो दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। उसके वजह से उसको कोई दर्द भी नहीं होता है, बट द ओनली कंसर्न इज आपका उसके वजह से सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आपके आँख से पानी ज़्यादा निकलती है और उसके वजह से आइरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। और पर्टिकुलरली फॉर द ब्रीड्स जिनके फर ज़्यादा होते हैं, लाइक फॉर स्पार्की इज अ शिह ट्ज़ू, तो फर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे आपका फर वो जो क्लॉट हो सकता है, मतलब वो टैंगल हो सकता है, जो कि साफ करने में और उसको मेंटेन करने में दिक्कतें आती हैं। तो स्पार्की का पहला जो चेरी आई ऑपरेशन हुआ था वो था जब वो एक साल का हो चुका था, उसके बाद ही उसका चेरी आई ऑपरेशन हुआ था फॉर बोथ आईज, लेफ्ट एंड राइट। वो हमने उस टाइम पे एक्चुअली हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं थी, हमको कोई नॉलेज नहीं थी, हमको इनफैक्ट हम लोग काफ़ी डरे हुए थे कि कैसे इसको डील किया जाए। हमने डॉक्टर के पास अप्रोच किया था, बट डॉक्टर ने मेडिसिंस दिया था, आई ड्रॉप्स दिया था टू रिड्यूस इट, वो रिड्यूस हो भी रहा था बट वो वापस आ जा रही थी। बट फाइनली एज अ परमानेंट सॉल्यूशन डॉक्टर ने कंसल्ट करने के बाद हमें ये सजेस्ट किया था कि इट्स बेटर टू हैव अ सर्जरी। नॉर्मली यही होता है कि सर्जरी का नाम सुन के हम सब डर जाते हैं, बट इट्स एब्सोल्युटली सेफ, ऐसा कुछ नहीं है। और फर्स्ट टाइम जब स्पार्की का सर्जरी हुआ था, सिंस हम लोग थोड़े डरे हुए थे, हमको कोई आइडिया नहीं था, तो उस टाइम पे जो वीडियो हमने बनाए थे वो जस्ट नॉट वेरी मच इंफॉर्मेटिव। सो व्हेन वी हैड दिस सेकंड सर्जरी, हमने सोचा कि ये अच्छा मौका है आप लोग के साथ, हम सबका, हम दोनों का जो एक्सपीरियंस है, जो कंसर्न हमको आई, जो प्रॉब्लम्स आई और कैसे उसको डील करना है, कैसे प्रिकॉशंस लेना है, अपार्ट फ्रॉम कंसल्टिंग डॉक्टर्स देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, एन नंबर ऑफ मेजर्स व्हिच वी नीड टू टेक। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोगों को पता चले हमने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए इस पूरे चेरी आई सर्जरी के दौरान।
टाइम जाते ना। रोने वाला रोना है कुछ नहीं बोलना रोगे सर बेहोश तो नहीं हो जाएगा। बेहोश हो जाएगा ऐसा लग रहा है उसको देख के। देखते हैं कितना देर तक सरवाइव कर। चलो जाएंगे जाएंगे उसको कॉलर पहनाना पड़ेगा जाएंगे बड़ा वाला कॉलर सूख गया क्या देखो घूंघट में आ गया वापस जो ज़्यादा अच्छा अच्छा चलो जाएंगे इस पर वो काफ़ी बेटर है लास्ट टाइम से। लास्ट टाइम इस पर रिकवरी में बहुत टाइम लगा था। इस पर स्टार्टिंग से ही वो वही सब कर रहा है जो वो पहले करता था तो इसलिए वो खाना भी सही से खा रहा है। कल मैंने बोन्स कट करके दिए थे आज देख रही हूँ अगर वो खुद से चबा के खा सकता है कि नहीं। फेस दिखाओ अपना। आंखें तो बड़ी हो गई है जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है। गुड बॉय। रुको मैं काट के दे दूँ ठीक है बोन काट के दे दूँ। मेडिसिन्स खा लिया है सुबह से दो टैबलेट्स थे आई ड्रॉप था पेन किलर देना है अभी इवनिंग को। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा लगता है उसको देख के कि कितना स्ट्रांग है। इस बार वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही था कि उसको जल्दी ठीक होना है। लास्ट टाइम दो आँखों का आई सर्जरी हुआ था दोनों आँखों में चेरी आई था। इस बार देयर वाज ओनली वन आई द राइट आई बट देन उसके लिप्स के ऊपर भी एक सर्जरी हुआ है अगर आप लोग देख पा रहे हो तो एक जो कट मार्क है वो एक्चुअली एक थोड़ा एक्स्ट्रा स्किन जैसा आ गया था मोल जैसा दिख रहा था तो वो बढ़ता जा रहा था तो डॉक्टर ने कट कर दिया है। बोला है कुछ वैसा डेंजरस है नहीं। ख़त्म हो गया चुना ख़त्म हो गया देखो अभी दूसरा वाला बाद में खाएंगे अभी एक ही बार में नहीं खाएंगे ओके। फेस कितना गंदा हो जाता है इस टाइम पे ये पूरा पोर्शन क्लीन नहीं कर पाते तो एनीवे आपको प्रोग्रेस आई विल कीप शोइंग यू द प्रोग्रेस और कितने दिनों में ठीक हो जाता है। लास्ट ईयर तो उसको ऑलमोस्ट वन मंथ लगा था ठीक होने में आई होप इस बार जल्दी ठीक हो जाएगा।
को ये वीडियो अब तक अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, क्या क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया वो दिखाया, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि कुछ सिम्टम्स है जो कि सर्जरी के बाद काफ़ी आम बात होती है, लेकिन जिनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है उनके लिए ये थोड़ी डरावनी वाली बात हो जाती है, डरने की बात हो जाती है, बट ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सर्जरी के बाद माइल्ड फीवर आ सकती है और यू नो वॉमिटिंग टेंडेंसी आती है, खाना ठीक से नहीं खाते, ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा रहती है बिकॉज वो एनेस्थीसिया का इम्पैक्ट काफ़ी आवर्स तक, कुछ घंटों तक उसकी रहती है, और खाना वगैरह सही से वो नहीं खाते, और एज अ रिजल्ट उसके जो स्टूल वगैरह पॉटी वगैरह सही से नहीं होती है। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जो स्पार्की का सर्जरी हुआ था उसका एक हफ्ते तक उसका पॉटी नहीं हुआ था, जो कि हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात हो गई थी। वी थॉट देयर माइट बी सम साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिंस, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हमने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था, बट इस बार ऐसा वैसे नहीं हुआ, दो दिन तक नहीं हुआ, तीसरे दिन पे इट वॉज नॉर्मल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाइजीन की हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी है, लाइक इट शुड बी वेरी हाइजीनिक, लाइक क्योंकि हम उसको बाथ नहीं दे सकते इस दौरान, एटलीस्ट जब तक उसका पूरी तरह से उसका आई रिकवर नहीं कर सकते, कर जाता तो हम उसको बाथ नहीं दे पाते, एज ए रिजल्ट उसको क्लीनिनेस होना बहुत ज़रूरी है, उसके आँख टाइम टू टाइम एवरी यू नो 3 आवर्स में एक बार साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, जब हम लोग ड्रॉप देते हैं, आई ड्रॉप देते हैं, क्योंकि 6 से 7 बार हम लोग आई ड्रॉप देते हैं पूरे दिन में, जिसके वजह से यू नो उसको आई इरीटेशन होती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम टू टाइम उसकी आँखें साफ़ करें और उसका मुँह वगैरह साफ रखें, अदरवाइज वो और ज़्यादा सिक फील करेगा। लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरे सर्जरी के बाद जल्दी रिकवर करने का, वो है उसका कॉलर। जैसे ही सर्जरी के बाद कुछ घंटों में उसका कॉन्शियसनेस वापस आने लगते हैं, उसी टाइम पे आप उसको कॉलर पहना दो। कॉलर का एक ही फ़ायदा होता है क्योंकि वो इचिंग करने लगता है, बाई चांस उसने पंजा मार दिया और अपने आँख में उसका लग गया, तो इट विल टेक मोर टाइम, जो कि लास्ट टाइम हमारे साथ हो चुका था, क्योंकि उसको ऐसे कॉलर हमेशा पहनाने हम लोग हिचकिचा रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, वो कहीं पे सही से खेल नहीं रहा था, दौड़ नहीं रहा था, खाना नहीं खा रहा, तो हम लोग बीच बीच में उसको खोल दे रहे थे, और उस वही हमारी गलती हुई थी, और बीच में उसने ऐसे स्क्रैच मार दिया जिसकी वजह से उसको रिकवर करने में 1 महीने से ज़्यादा लग गया, तो वही गलती इस बार हमने नहीं दोहराया, ताकि कितना भी उसको मायूस क्यों ना हो, एटलीस्ट फॉर अ वीक विदाउट एनी फेलियर आप उसको कॉलर हमेशा पहना के रखो। एक हफ्ते बाद जब वो उसका इंजरी, जब जो उसका सर्जरी हुआ वो जब सूख जाए, उसके आँखें अच्छी हो जाए, डॉक्टर उसको बोले कि हाँ ठीक है आप बीच बीच में उसको खोल सकते हो बट अंडर ऑब्जर्वेशन, तब आप उसको खोलना, लेकिन इंश्योर करना कि चाहे वो अपना पंजा अपने आँखों पर ना मारे, जिसके वजह से उसको रिकवर होने में और ज़्यादा टाइम लगे। सो होपफुली ये जितने भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है ये आपके काम में आ सकता है, और कभी भी आपके पेट को, आपके डॉगी को ऐसे आई सर्जरी हो, प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग को खुशी होगी अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने में, और कुछ भी अगर जो भी इंफॉर्मेशन बन पड़े जो हमें पता हो, हम डेफिनेटली आपके अब तक पहुँचाएँगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए वीडियो से रिलेटेड। थैंक यू ऑल।